तुम्हारी हमदर्दी एक जहर है। तुम्हारी वजह से एक और जान चली गई आज, बख्तियार की। कैसे अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं वरना वरना क्या, अपने आशिक के करीब आने से पहले तो तुमने उसे कभी नहीं रोका। कितनी मुनाफिक हो तुम। आज तूने घटियापन की सारी हदें पार कर दी है कैसर, सीधी तरह बादशाह बेगम को मेरे हवाले करो। अरे तुम्हें हाकिम फुफो से क्या काम पड़ गया शाजिद? ज्यादा लाइन बनने की कोशिश मत करो कैसर, जहां आरा को बाहर लो, वरना मेरी एक आवाज पर पीरापुर के लोग बादशाह बेगम की असमत के लिए कैसे हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। एक मिनट, अगर जहां आ रहा यहां है तो वहां बड़ी हवेली में हमारी गद्दी नशीनी की रस्म कौन अदा कर रहा था? कैसे अपने घर में पनाह लिए हुए शख्स को उसके दुश्मन के हवाले कर दो? कैसी पनाह? बादशाह बेगम ने तुमसे जान बचाकर मेरे घर आके पनाह दी है, क्योंकि वो जानती थी कि जिस आदमी ने अपने सगे भाई को नहीं बख्शा वो उसे क्या छोड़ेगा, और बहुत जल्द वो तुम्हारा भांडा भी फोड़ने वाली है। क्योंकि जिस वक्त बादशाह बेगम यहाँ थी वहाँ बड़ी हवेली में तुम्हारी गद्दी नशीने की रस्म मेरी मंगेतर रोशन आरा नकली बादशाह बेगम बन के अदा कर रही थी। बहुत बेसब्री हो शादी, बात को गौर से सुना करो। अगर गांव वालों को पता चल गया तो जिस वक्त नकली बादशाह बेगम तुम्हारी ताजपोशी कर रही थी उस वक्त असली बादशाह बेगम अपने आशिक के साथ फरार हो रही थी। सोचो ये क्या करेंगे? अरे तुम्हारी गद्दी नशीनी खटाई में पड़ जाएगी। तो बेहतर यही है कि खामोशी से यहां से निकल जाओ। मुझे शाहजेब के साथ जाने। मैं पागल हूं जो तुम्हें शाहजेब के साथ जाने दो? ये खंजर बादशाह बेगम को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं मगर अपनी जान लेने के लिए भी दिया जाता है। मैं मरने से कतराऊंगी और मरी हुई बादशाह बेगम तुम्हारे किसी काम की नहीं है। बच गई तो शायद तुम्हारे किसी काम आ सके। अगर जिंदा रही तो मैंने फैसला कर लिया, मैं शाहजेब की बादशाह बेगम नहीं बनूंगी। इसने मेरे बख्तियार को मारा, मैं इसकी बादशाह बेगम नहीं बनूंगी। तो उसके साथ जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि क्योंकि उसके पास बख्तियार की मैयत है। मुझे बख्तियार को आखिरी दफा देखना है। मुझे उसकी माँ को बता रहा है कि वो मुझे बचाना चाहती है। मुझे उसकी माँ को उसकी मैयत वापस करनी है। अगर तुम इजाजत दो तो
मैं अकेले वापस आ जाऊंगी। मैं इस बात का यकीन कैसे करूं? क्योंकि मैं जा रहा हूं, कैसर नहीं छुटनी बात से फिर जाऊं। रोशी खुद को संभालो। रोशी तुम सुन रही हो ना? सुन रही हो ना? अगर जेब ने देख लिया तो? जेब जा रहा। मार दिया तुमने बख्तियार को! मार दिया तुमने मेरे बख्तियार को! बख्तियार, मैंने तुमसे कहा था ना इससे दूर रहो। मैंने कहा था ना तुमसे, तुमने नहीं सुनी मेरी। क्यों मारे तुम इसे? क्यों मारे? बताओ मुझे, क्यों मारे तुमने इसको? बताओ मुझे, होश में आओ। बताओ मुझे, लेकर जाओ इसे। क्यों मारे मेरे बख्तियार को? मेरे बख्तियार को क्यों मारे इसे? भक्ति, भक्ति, बख्तियार, बख्तियार। से बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरी बात आप जानती है अच्छी तरह, और आप भी मुझसे मोहब्बत करती है मगर मानती नहीं। चा बेगम यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? चाहो ने कहा बख्तियार की माँ, ये मैंने अपना बेटा
बेटा सौंपा था उसे, मैं उसे वापस देने आई हूँ, मेरा बेटा वापस दो मुझे। वापस तो मुझे। ना जी आप खुद को संभालें। मेरा बेटा। मौजूदगी दोनों पर हक है मेरा। बख्तियार की माँ जी आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं सुलेखा, तुम उन्हें भेज दो, तुम उन्हें भेज दो, मैं उनसे नहीं मिल सकती, मैं उन्हें नहीं देख सकती, मैं उनसे क्या कहूंगी, क्या बोलूंगी मैं, क्योंकि बेटे का कत्ल मेरे भाई ने किया है, ये कहूँ मैं? शाहजेब ने बख्तियार को नहीं मारा। झूठ बोल रही हो तुम, सब झूठ बोलते हैं यहाँ। क्यों झूठ बोलूंगी, मैं खुद को भी बख्तियार की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ। ना मैं आपको उनके साथ भाग जाने का कहती हूँ, ना ही क्या एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकती है? हाँ खा सकती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि आज एक माँ यहाँ पर अपने जवान बेटे की लाश लेने आई है, जिसका खून सबके सरों पर है, सबके सरों पर। सुलेखा, देखो आज कुदरत ने तुम्हारा सबसे प्यारा तुमसे छीन लिया। नहीं, मुझसे कुछ नहीं छीना, कुछ नहीं छीना तुमने मुझसे, मुझसे कुछ नहीं। बहुत मोहब्बत की थी मेरे बेटे ने तुमसे, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। I know, I know, मुख्तियार ने तुम्हारे लिए ये रास्ता चुना था, लेकिन खुद चुना था। मगर तुम बख्तियार के खून को रायगा चाहने ना देना, उसकी मौत को जाया ना जाने देना,
बख्तियार का इंतकाम लेना, जहरा बख्तियार का इंतकाम लेना। भक्ति, आई एम रेडी, चलें डिनर पे। अच्छा पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? थैंक यू, तुम भी अच्छे लग रहे हो। देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है। शाजे भाई, मैं और भक्ति डिनर पे जा रहे हैं। उठाइए। कब? इसको लेकर। किधर? आप भक्ति को कहाँ लेकर जा रहे हैं शाजे? कलमा शहादत। भक्ति, हमारा डिनर प्लान था भक्ति। भक्ति शॉपिंग में भी जाना था। तुम फिर से मुझे डिनर पे जाना तुम भक्ति। गुलारी खादमाएं क्या कह रही हैं? तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो? अगर जुलेखा और सूरज इजाजत दें तो। ऐसी बातें ना करो गुलनार, शामीर हजूर की बेवा हो, पीर खानदान की बहू हो, तुम हक से कह सकती हो। अगर जाना क्यों चाहती हो? आज आप वो बूढ़ी और गम से सताई हुई औरत को देख रही, उसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया, और जो उसे पहले खोया है वो जिंदा है, मगर मैं उसके साथ जाकर शहर उसे ढूंढना चाहती हूँ और अपनी सारी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजारना चाहती हूँ। वो तुम यहाँ रहकर भी कर सकती हो गुलनार। नहीं हजूर, शामीर हजूर ने मुझे अपना के इज्जत जरूर दी थी, मगर मैं सारी उम्र पीर खानदान में डांट का पेवन बंद कर नहीं रह सकती। शामीर हजूर चाहते थे कि मैं पढ़ूं, अपने पैरों पे खड़ी हूं, मैं उनके लिए इतना तो कर सकती हूँ। क्या आप लोग मुझे शाज़ेब हजूर से इसकी इजाजत लेके दे सकते? तुम अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहती हो तुम गुजार सकती हो गुलनार, तुम्हें पूरा हक है। इस हवेली ने पहले ही तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, यह हवेली तुमसे कुछ और नहीं मांग सकती। अगर तुम कभी भी वापस आना चाहो तो याद रखना कि इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ? बादशाह बेगम को मेरा मतलब है जहाँ आ रहा को ले जाने। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा क्या सर? मेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, मगर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि जहां आ रहा मुझसे वापस कैसर हवेली जाने का वादा करके, सिर्फ अपने आशिक के जनाजे के लिए। यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछ ले। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी ताकत से रोक सकता हूँ। अगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें अपने इकदार का इतना पास है कि मेरी दी हुई जबान का पास रखोगे। तुम तो वाकई में आ गई जहाँ आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कौन है। कैसर, जिसने तुम्हारी ज़बान पे यकीन करके तुम्हें जाने दिया,
या तुम जो अपना वादा निभाने के लिए वापस लौट आई? एक वादा मैंने भी किया जहारा से, जिसको पूरा करने पर मैं इसे अपनी बादशाह बेगम बनाऊंगा। जब तक मैं हूं मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। आप ही तो नहीं है पप्पो जान, यही तो वादा किया है मैंने जहारा, मेरा मतलब बादशाह बेगम से। अब आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और अपनी बाकी जिंदगी दरगाह पे गुजारें। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो शाहजेब? तुमने जहांआरा को ऐसे कैसे जाने दिया? उसकी जुबान का मामला था और उसी जुबान से वो कैसर हवेली में कैसर को पीर मुकर्रर करने जा रही है। जहांआरा के सामने तुमने बार बार हथियार डालकर खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसर जहांआरा का भाई तो नहीं है, उसकी गद्दी नशीनी की कोई हैसियत नहीं। अच्छा बेगम, क्या लोग रोशन आरा को उसकी दिमागी हालत देखते हुए बादशाह बेगम तस्लीम कर लेंगे? सब जानते हैं कि वो पागल हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है। पीरपुर के लोगों को बड़ी हवेली और कैसर हवेली के दरमियान होने वाली जंग के अजाब को झेलने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। आइए हाकिम फूफो, आइए। यह है आपकी आखिरी मंजिल, आप इत्मीनान से यहां अपनी बकिया जिंदगी गुजारिए, इबादत कीजिए, शायद ऐसे ही आपके कुछ गुनाह धुल जाए। और हां, अपने इस चहीते भतीजे को भूलिएगा नहीं। La ilaha illallah मोहम्मद रसूल Oh!
इतने हैरान मत हो, उस वक्त कहां थे तुम लोग जब शाहजेब ने दिन दिहाड़े तमाम मुरीदों की आंखों में धूल झोंक दी थी, उस वक्त जब असली बादशाह बेगम मेरे यहां पनाह ली हुई थी। शाहजेब ने उस नकली बादशाह बेगम, उस पागल रोशन आरा से अपनी ताजपोशी करवाकर पीरापुर की रिवायात का खुला मजाक उड़ाया। मेरे नजदीक ना तो उस नकली बादशाह बेगम की कोई हकीकत है और ना ही उस जाली पीर की। अभी तुम सबके सामने असली बादशाह बेगम अपने तायाजाद भाई की गद्दी नशीनी की रस्म अपने हाथों और अपनी मर्जी से अदा करेंगी। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो हम सब पर बहुत कादर है, जिसकी गद्दी, जिसका तख्त इस दुनिया में किसी भी गद्दी और तख्त से बढ़कर है। मैं आज आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। खुदा गवाह है कि मैं पीरापुर सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा पीर शाह आलम की ख्वाहिश की वजह से आई थी। हुजूर, गुस्ताखी माफ, वो कैंसर हवेली में गड़बड़ हो गई है। यहां आने के बाद मैं अपने भाई पीर शाह मीर शाह आलम की वजह से बादशाह बेगम बनी थी। वो पीर शाह मीर शाह आलम जिसने सिर्फ और सिर्फ पीरापुर की भलाई और बेहतरी सोची, वो शाह मीर जिसने बादशाह बेगम की रस्म पर उंगली उठाई, जिसकी वजह से आप सब ने उसको मार दिया। क्या आप लोगों के पास यह हक था कि आप उसे मार देते? अगर ऐसा है तो जिस बादशाह बेगम की हुर्मत की वजह से आप लोग काटने पीटने को तैयार हो जाते हैं, क्या उस बादशाह बेगम की इज्जत पर हाथ डालने वाले दरिंदे को आप इस गद्दी पर बैठने की इजाजत देंगे? क्या बकवास कर रही है तू? यही वो शख्स है जिसने मुझे कैसे हवेली में कैद कर रखा था। इसने आप लोगों की बादशाह बेगम की इज्जत पर हाथ डाला है। झूठ बोल रही है। मैं सच कह रही हूं कि आप लोग ऐसे शख्स को इस गद्दी पर बैठने की इजाजत देंगे? क्या आप लोग अपनी बादशाह बेगम को इंसाफ दिलाएंगे? अगर आज आप सबकी गैरत मर चुकी है तो ठीक है, मैं अपना बदला खुद ले लूंगी। मैं बतौर बादशाह बेगम यह ऐलान करती हूं कि एहतजाजन मैं अपने सर से यह चादर उतार कर पीरापुर में नंगे सर घूमूंगी। Thank you.
जाना। गाड़ी निकालो, बादशाह बेगम को अस्पताल लेकर चले। जाना, ये क्या किया तुमने? अपने भाई की जान बचा ली। मैंने बख्तियार को नहीं मारा, खुदा की कसम मैंने नहीं मारा। जानती हूँ शासे, जब से मैंने अपने बच्चे की कसम खा के मुझे यकीन आया, मुझे पता चल गया कि तुमने बख्तियार को नहीं मारा। मैं तुम्हारे एहसान कैसे उतारूंगा जहरा? अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो शासे, तो मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हारी बेटी तो तुम उसे बादशाह क्यों नहीं बना मत कर। चारा मुबारक हो हजूर, बेटी हुई है। आखिर मुरीदों की दुआ रंग लाई। हजूर, क्या नाम सोचा? पीरापुर के बासियों, ऐ पीर खानदान के मुरीदों, आज पीरापुर की हवेली में फिर एक बार नौ मौलूद बच्ची की रोने की आवाज गूंजी है। वो आवाज जिससे पीरापुर का निजाम चलता है, वो आवाज जिस पे पीर खानदान की गद्दी की बुनियाद खड़ी है। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं, आज से तुम्हारी हिफाजत इस गद्दी की जिम्मेदारी है। तुम्हारा अनाज हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे खेत हमारी जिम्मेदारी है। मैं पीर शाह ज़ेब आज ये ऐलान करता हूं कि मेरी बेटी, जिसका नाम मैंने जहां आरा रखा है, वो पीरापुर की होने वाली अगली बादशाह बेगम है। बाबा, ये किसकी कुर्सी है? ये आपकी कुर्सी है बादशाह बेगम।